नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की उत्पत्ति का क्लास चल रहा है। अभी तक इस टॉपिक्स पर 8 क्लास हो चुके हैं, आज 9वां क्लास है। अभी तक हमने, इसके पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि यह इस टॉपिक्स का अध्ययन क्लास 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों एवं अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए भी लाभप्रद है। तो अभी तक हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, जीव का विकास, स्तनपायी प्राणियों से प्राइमेट्स, प्राइमेट से होमिनवाइड, होमिनवाइड से होमिनिड और होमिनिड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के विकास के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जिंजानथ्रोपस और पिथिकांथ्रोपस इरेक्टस का विकास हुआ। आज हम लोग सिनान्थ्रोपस या पिकिंग मैन के बारे में जानेंगे, पिकिंग मानव। सिनान्थ्रोपस या पिकिंग मानव को पिथिकांथ्रोपस या जावा मानव का ही विकसित प्रजाति माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे जावा मैन या पिथिकांथ्रोपस इरेक्टस का विकसित चचेरा भाई कहते हैं, एडवांस कजिन ऑफ जावा मैन इन्हें कहा जाता है। पिथिकांथ्रोपस इरेक्टस के पता लगने के बाद ही सिनान्थ्रोपस के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई, इनके जीवाश्म भी प्राप्त हुए। सिनान्थ्रोपस के जीवाश्म पिकिंग से प्राप्त हुए हैं, पिकिंग की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है, बीजिंग का ही पुराना नाम पिकिंग है। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पिकिंग की गुफाओं से 40 आदि मानव के जीवाश्म या फॉसिल या स्केल्टन कंकाल प्राप्त हुए। 1929 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक इनकी विस्तृत खोज की गई, गुफाओं की खुदाई की गई, जिससे इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पिकिंग मानव या सिनान्थ्रोपस की गुफाओं, जो उनके रहने के स्थान थे, और उनके जीवाश्म फॉसिल से ही उनकी शारीरिक विशेषताओं और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके अध्ययन से जानकारी प्राप्त होती है कि सिनान्थ्रोपस आग जलाना जानते थे, जो एक बहुत बड़ी बात थी। 1941 ईस्वी में चीन और जापान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान ही पिकिंग मानव के जो जीवाश्म थे वे गायब हो गए, लॉस्ट हो गए। इसकी खोज अभी भी जारी है, कैसे गायब हो गए, कहीं कैसे खो गए। परंतु सौभाग्यवश इसके बारे में विवाद भी है, कैसे गायब हुए, क्यों हुए। परंतु सौभाग्य से इनके कुछ फोटोग्राफ, जीवाश्मों के फोटोग्राफ, फॉसिल के फोटोग्राफ्स और कुछ चिन्ह, गुफाओं के कुछ चिन्ह अभी भी उपलब्ध हैं, जिससे इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, अध्ययन किया जाता है। सिनान्थ्रोपस का समय या काल 7,50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 4,00,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो इसके बाद हम लोग
नियंडरथल मानव के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।